तुम समझते क्या हो? यहाँ पर मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तो मैंने कब कहा कि तुम नौकरानी हो? मैंने कहा क्या? लेकिन बिहेव तो तुम ऐसे ही करते हो ना जैसे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी नौकरानी बैठी हुई हूँ। अरे यार, मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि भैया मेरी शर्ट प्रेस नहीं है। ये ऐसे तो कोई बात नहीं होगा ना जिसका तुमने बात का पतंगड़ बना दिया। मैं कोई जादूगर नहीं बैठी कि तुमने सारे बोला कि ये काम कर दो वो काम कर दो और सारे काम हो जाएंगे। तो मैंने कब कहा कि तुम जादूगर हो? मैंने ऐसा कहा? बोलने की जरूरत नहीं होती है ना, तुम्हारी हरकतें बता देती हैं। अनु ये कर दो, अनु वो कर दो, मेरा खाना बना क्या, मेरे कपड़े हुए क्या। अरे मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। ऐसा है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, मुझे अभी ऑफिस जाना है। ठीक है, शांति से ऑफिस जाना चाहता हूँ। हाँ, तुम शांति से ऑफिस जाओ, घर का माहौल अशांत करके तुम शांति से ऑफिस जाओ और मेरा मूड कैसा भी रहे। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? हाँ, तब से बोले जा रही तेरे को समझ में नहीं आ रहा मुझे ऑफिस जाना, शांति से जाना चाहता हूँ। चुप नहीं हो सकती तू? कैसे चढ़ के आ रहे हो ना मेरे ऊपर? तुम मारोगे मुझे? तुम मारोगे? मारो ना, मारो मुझे। तो मेरे को ना बेफजूल प्रोवोक करने की कोशिश मत कर, मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। हाथ क्यों उठ जाएगा? तुम्हारा हाथ तो उठ ही गया। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मम्मी। बेटा बेटा क्या हुआ है? हाँ मम्मी, मुझे याद नहीं रहता। मम्मी मैं अभी आ रही हूँ। अरे बेटा, पर हुआ क्या है? कम से कम एक बार हमको बताओ तो सही। तुम बस बात हुआ मम्मी, हम नहीं रह सकती मैं यहाँ पर। क्या हुआ? इसने हाथ उठाया मुझ पर। किसने? राहुल ने। बेटा तुम एक काम करो, तुम सीधे अपना सामान बांधो और चुपचाप घर चली आओ। तुमको एक मिनट भी वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, सुन रहे हो ना तुम? अरे हुआ क्या, मुझे बताओगे जरा? दामाद जी ने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, कल को तो वो मेरी बेटी को जान से मार डालेगा। अरे एक मिनट रुको यार, तुम मुझे फोन दो जरा। हाँ बेटा, क्या क्या हुआ? राहुल ने हाथ उठाया मुझ पर पापा। हाथ उठाया मतलब मारा? नहीं लेकिन हाथ उठाया मेरे ऊपर। मतलब मारा नहीं? नहीं लेकिन शाम को तो आकर मार सकता है ना मुझे वो। वो गुस्से में था? हाँ बहुत। बेटा तुम तो शांत थी ना, तुम तो गुस्से में नहीं थी ना? नहीं, मैंने भी गुस्से में बहुत सुनाया। तो अब क्या चाहती हो? मुझे नहीं रहना पापा, मैं घर आ रही हूँ। ठीक है बेटा, घर आ जाओ, लेकिन दोबारा जाओगी तो नहीं? नहीं। हाँ तो बेटा आ जाओ, तुम्हारा तलाक करवा देते हैं उससे। लेकिन तुम श्योर हो ना कि दोबारा जिससे शादी होगी वो तुम पर गुस्सा नहीं करेगा और तुम उससे गुस्सा नहीं करोगी, तुम दोनों के बीच में झगड़े नहीं होंगे? अगर तुम श्योर हो तो आ जाओ, और अगर श्योर नहीं हो तो फिर वहाँ रहो, उससे बात करो जब वो आएगा। ठीक है, आराम से बैठकर मामला सुलझाओ, जैसे तुम्हारी मम्मी और हम बैठकर सुलझाते हैं। भाई झगड़े किसके बीच में नहीं होते? तुम्हारे तुम्हारे भाई के बीच में भी हुए हैं, तुम्हारे और मेरे बीच में भी हुए हैं, तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बीच में भी हुए हैं। कई बार तुम्हारी माँ ने तुम पर हाथ भी उठाया है, और कई बार ना सिर्फ हाथ उठाया है बल्कि मारा भी है। क्या तब भी तुम घर छोड़कर चली गई थी? बोलो। नहीं। तो फिर अब क्यों वो घर छोड़कर आना चाहती हो? भाई उस घर को भी वैसे ही अपना मानो जैसे तुम इस घर को अपना मानती थी, जैसे तुम हमें अपना मानती थी। ठीक है, शाम को जब वो आएगा तो उससे प्यार से बात करना जैसे हमसे करती थी लड़ने के बाद। ठीक है? क्या हुआ? फोन काट दिया लगता है। हाँ तो ऐसे कौन बोलता है अपनी बेटी को? अरे भाई आज हम जिंदा हैं तो वो लड़के आ जाएगी यहाँ, कल जब हम जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएगी? मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही वो अपने हालातों से भागती रहे। याद है बचपन में एक बार जब वो गिर गई थी, रो रही थी, और जब मैं उसको उठाने जा रहा था तो तुमने क्या कहा था? यही कहा था कि उठाना मत उसको, अगर आज तुमने उठा दिया उसे तो वो हर बार गिरने के बाद रोएगी और ये इंतजार करेगी कि कब तुम आकर उसे उठाओगे। फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? फिर थोड़ी देर बाद रोने के बाद जब उसे लगा कि तुम नहीं आओगे तो वो खुद ब खुद उठ गई थी। क्या उसके बाद जिंदगी में जब वो दोबारा गिरी, रोई, उसने मेरे आने का इंतजार किया? नहीं किया, बल्कि हर बार खुद ब खुद उठ जाती थी। हाँ तो बस जो तुमने उसके बचपने में किया आज वही मैं कर रहा हूँ। आज जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ एक्चुअली ऑफिस में कोई बहुत ज़्यादा काम था नहीं तो इसलिए। पानी लेकर आऊँ? नहीं नहीं कोई बात नहीं, सॉरी मैं सुबह थोड़ा ज़्यादा ही हाइपर हो गया था। सॉरी मैं भी गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। एक्चुअली मुझे समझना चाहिए कि तुम दिन भर इतना काम करती हो तो। मुझे भी समझना चाहिए कि तुम भी बाहर रहते हो, इतनी सारी परेशानियां होती होंगी। आगे से तुमको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम कहाँ शिकायत का मौका देते हो, मैं ही कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देती हूँ, नहीं करना चाहिए मुझे। चलो इसी बहाने कम से कम तुमको ये पता तो चला कि गलती किसकी तरफ से होती है। मार अभी खाओगे कि खाना खाने के बाद खाओगे? खाना खाने के बाद ही खा लूंगा। वैसे बिना प्रेस की शर्ट अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर। थैंक यू, थैंक यू।
हाँ मम्मी। हाँ बेटा, दामाद जी आ गए क्या? मम्मी जी नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा सब नॉर्मल है ना? हाँ सब अच्छा है मम्मी। हाँ अच्छा ठीक है मम्मी, मैं अभी रखती हूँ। वो अभी अभी ऑफिस से आया ना, तो इनके लिए थोड़ा चाय बना देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, कह रही थी कि अभी अभी ऑफिस से आए और इन्हें चाय पिलाती हूँ। देखा देखा, जरा से गुस्से में अगर पानी ना डाला जाए तो घर बर्बाद होते देर नहीं लगती। अरे पति पत्नी के बीच में तो वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए, जहां आप बीच में पड़े बस वहीं से दूरियां बढ़ी। अरे आजकल के जो माँ बाप है ना, इनका बड़ा योगदान रहता है बच्चों के तलाक में। पति पत्नी है, लड़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो ये नहीं समझेंगे कि जिंदगी में एडजस्ट करना कितना जरूरी होता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। वही तुम्हारी पुरानी बातें है ना? मेरी इन्हीं पुरानी बातों की वजह से हम आज भी साथ हैं।